Hello everyone, welcome to my channel SMB Institute. Hopefully you are fine. आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे प्रोफेशनल स्किल्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड. बेसिकली आज जो है वो हम वो तमाम प्रोफेशनल स्किल्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए हैं, इस वीडियो सेशन को तमाम प्रोफेशनल जो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ. ओके, प्रोफेशनल स्किल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स टेक्नोलॉजिस्ट डीए, तमाम प्रोफेशनल इस वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं. तो बेसिकली आज के इस वीडियो सेशन का पर्पस जो है स्किल्स को डिस्कस करना, प्रोफेशनल स्किल्स पे एक फोकस करना. As everyone know that after when we complete our graduation from any university, engineering university, and we have a degree सबके पास होती है, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं. लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज हर स्टूडेंट के पास होता है, लेकिन बेसिकली जो इंडस्ट्री की डिमांड होती है वो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं. तो वो प्रोफेशनल स्किल्स किस तरह गेन करनी है, और बेसिकली सबसे जो पहला पॉइंट ये है कि प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर हम स्किल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन आज हम डीपली इन चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे. सो यहाँ पे मैंने स्लाइड ओपन किया पावर पॉइंट. जी, व्हाट इज स्किल्स? The ability to do something well, expertise. Basically skills वो चीज़ है, एक ऐसी ability है किसी काम को करने की. उसमें बहुत सारे scenario हो सकते हैं, बहुत सारी situations हो सकती हैं कि हम किसी काम को करते हैं by using our expertise और by using our ability. हमारी एक सलाहियत होती है किसी काम को करने की, तो वो उसे skill कहते हैं. लेकिन skills दो तरह की हैं. Skills सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती हैं और हार्ड स्किल्स भी हो सकती हैं. तो हमने आज फोकस करना है सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के बारे में. तो बेसिकली स्किल्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, एक्सपर्टीज. इसमें टेक्निकली भी चीज़ें हो सकती हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती हैं. आज हम बात करते हैं हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स बेसिकली रिलेटेड टू स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग, वाइल सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनैलिटी ट्रैट्स सच एज लीडरशिप, कम्युनिकेशन. अब हम इंडस्ट्री में जब हमारा डिफरेंट मीटिंग्स होते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो काम आती हैं. और टाइम मैनेजमेंट, बोथ टाइप ऑफ स्किल्स आर नेसेसरी टू सक्सेसफुली परफॉर्म एंड एडवांस इन मोस्ट जॉब्स. तो बेसिकली जो स्किल्स हैं, नो मैटर सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स, इम्पॉर्टेंस इंडस्ट्री में और जॉब में दोनों की बहुत ज़्यादा है. इट मीन कि जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं जिसमें सॉफ्ट और हार्ड स्किल दोनों आती हैं, इन दोनों को ही अगर कंबाइनली हम लेकर चलें तो हम एक इंडस्ट्री में सक्सेसफुल प्लेस अपनी जो है वो सेव कर सकते हैं. तो ये था, पहले हमने देखा स्किल्स क्या हैं और देन हमने इस चीज़ पे फोकस किया कि स्किल्स क्या हैं और हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स. अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हार्ड स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स. तो बेसिकली जो हार्ड स्किल्स होती हैं, इसमें जो हम अगर बात करें, थोड़ा मैं इसको वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, जिसमें लाइक हम यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है Adobe सॉफ्टवेयर, जिस तरह के सब जानते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर, जिस तरह हमारी इंजीनियरिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. तो बेसिकली हार्ड स्किल्स हैं, वहाँ पे हमारा टेक्निकली हम बैठ के जब किसी फॉर एग्जांपल ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं या किसी और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारी हार्ड स्किल्स हैं, क्योंकि इसमें हमारा टेक्निकल नॉलेज और ट्रेनिंग दैट यू हैव गेन थ्रू एनी लाइफ एक्सपीरियंस. बेसिकली हम ये जो हार्ड स्किल्स होती हैं हमारी, ये हम सीखते हैं टेक्निकली, इन चीज़ों को सीखते हैं किसी थ्रू ट्रेनिंग और फ्रॉम एनी पर्सन.
हम जो है वो इस चीज को सीखते हैं। तो ये हार्ड स्किल्स हैं जिसमें हमारा टेक्निकली और एफर्ट, बेसिकली सॉफ्ट स्किल में भी हमारी एफर्ट यूज होती है, लेकिन हार्ड स्किल वो हैं जिनमें टेक्निकली हम चीजों को डील करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स, इंटेग्रिटी, जो हमारा आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये हमारी सॉफ्ट स्किल हैं जिनमें हमारा मतलब बेसिकली हम टेक्निकली, अब देखें हमारी अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो ये टेक्निकल नहीं है, इसमें हमारी कोई टेक्निकल, हम सॉफ्टवेयर पे बैठ के जो है वो नहीं कर रहे कम्युनिकेशन, या हमारा टीम वर्क है तो टीम वर्क बेसिकली हमारी कोलैबोरेशन होती है। अगर हम जो प्रोफेशनल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, जब हमें कोई टास्क मिलता है तो इंडस्ट्री में, तो हम उस चीज़ को टीम वर्क की सूरत में डिफरेंट जो है वो टीम बना दी जाती है। तो लाइक जिसमें सुपरवाइजर होता है, फोर मैन होता है, लीड मैन फिर बना जा दिए जाते हैं, लीड मैन फिर आगे टीम को लीड करता है। तो बेसिकली टीम वर्क ये भी सॉफ्ट स्किल में आता है। क्रिटिकल थिंकिंग, आप किस तरह से चीज़ों को थिंक करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो ये सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल हैबिट्स एंड ट्रेट्स दैट शेप हाउ यू वर्क ऑन योर ओन एंड विद अदर्स। आप अपने आप के बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल एक सॉफ्ट स्किल है, तो इसमें हम अपने आप पे काम करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, हम किस तरह से बात कर सकते हैं इफेक्टिवली अपने मैनेजर्स के साथ, अपनी टीम के साथ। अगर हमारी कोई समटाइम जो है ऑडिट्स टीमें विजिट करती हैं कंपनीज में, तो उनको किस तरह से हमने डील करना होता है। तो बेसिकली हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल के बारे में डियर स्टूडेंट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, बेसिकली एसेंशियल स्किल्स फॉर ए कैरियर इन सिविल इंजीनियरिंग। तो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल ट्रेनिंग्स बेसिकली वही हैं जो हार्ड स्किल्स हैं हमारी, जिसमें हमारे डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। मैथमेटिकल स्किल्स, एज एवरी वन नो, थ्योरेटिकल जो हमने चीज़ें अंडरस्टैंड की होती हैं, जो हमने अपनी इंजीनियरिंग में चीज़ें मैथमेटिकल की होती हैं, और जब हम इंडस्ट्री में इंटर हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम इंडस्ट्री में या मल्टीनेशनल कंपनीज में जब हम इंटर हो जाते हैं तो वहाँ जाके मैथमेटिकल चीज़ों को अकॉर्डिंग टू आर वर्क हम अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक उसकी मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दूँ तो फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे जो कैलकुलेशंस लोड वगैरह की निकाली जाती हैं, तो वो मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ईमेलिंग, ठीक है, आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। ईमेल्स करना जो होता है ये हमारी बेसिकली, या किसी को लेटर टाइप करना है, तो बेसिकली हमने अपने इतना इफेक्टिवली उन चीज़ों को डील करना होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ से शो हो रही होती हैं, बड़ी इफेक्टिव राइटिंग हम करते हैं उसमें। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल, अब देखिए रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने आपको बताया कि ईमेल्स जिसमें हम एप्लीकेशन लिखते हैं, हम डिफरेंट, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग, जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या न्यू हैं आप, तो आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडस्ट्री में जो है हमारी रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। और ओरल कम्युनिकेशन स्किल में आ जाता है किस तरह से हमने बातचीत करनी है, किस तरह से हमने टीम को डील करना है, या अगर हमें कोई अपर मैनेजमेंट टीम्स हैं उनके साथ हमने ओरली चीज़ों को डिस्कस करना होता है, तो तब भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो कि सॉफ्ट स्किल में आती है बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। लीडरशिप स्किल्स हैं, तो लीडरशिप स्किल्स मैंने आपको पहले भी बताया, जिस तरह एक सिस्टम जो डेवलप कर दिया जाता है, लाइक हमारा सुपरविजन के नीचे फिर हमारे फोर मैन होते हैं, फिर लीड मैन होते हैं, और इस तरह के एक प्रॉपर जो है वो हायरार्किकल अरेंजमेंट होती है। उसके बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किस तरह से, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हमें किस तरह से क्रिएट करना है अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री में हमेशा ऑलवेज दोज पर्संस हु हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, माइंड, मेंटेलिटी, कैलिबर, वो लोग हमेशा उन्हें इंडस्ट्री में प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनके पास एक पोटेंशियल होता है। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है हार्ड वर्किंग होती है, और सेकंडली आपका एक्सपीरियंस होता है, और इसमें एक और चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका एक मेंटेलिटी, आपका एक पोटेंशियल होता है कि हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। डिसीजन मेकिंग, समटाइम कोई इशू आ जाता है जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, लेकिन
डिसीजन मेकिंग में आपको अपनी जो सीनियर्स होते हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ता है। समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने बिहाफ पे, लेकिन फिर भी उन चीज़ों में इंजीनियर्स, पीएम और ये सारे जो टीम होती है उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो था हमारा वो प्रोफेशनल स्किल्स फॉर, मैं फर्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाता हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली देखा है स्किल्स के बारे में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर विद अदर सो दैट मैनी पीपल आर एबल टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग SMB इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ SMB इंस्टीट्यूट। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी लेटेस्ट वीडियो ऑन योर नोटिफिकेशन बार। मैनी थैंक्स।